Welcome to Yadna Investment Academy. मैं हूं आस्था. आज है फ्राइडे तो करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग अपने फ्राइडे को गौरव सर के साथ. एंड आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि क्या हम अपनी लाइफ में अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं एंड दैट ऑल्सो विद अ न्यू मेथड विच इज रिसेंटली इन अ लॉट ऑफ ट्रेंड जिसे हम फायर कहते हैं विच इज एक्चुअली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली. अब हम पॉइंट बाय पॉइंट सर से समझेंगे कि ये फायर क्या है एंड इसको कैसे अचीव करके हम अपनी लाइफ में जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं. तो सर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्चुअली फायर. तो ये फायर जो है एक्चुअली ये नया कॉन्सेप्ट है जो आजकल मिलेनियल्स के मन में काफी फैल गया है ऐसा बोलना चाहिए मेरे को. बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर मतलब सबको आजकल एक अगर मैं फाइनेंशियल प्लान बनाता हूँ ना तो बहुत ही आई थिंक सिर्फ 20-25% प्लान्स में ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि मैं रिटायर जो है एट 60 हूँ. राइट, एवरीवन वांट्स टू रिटायर अर्ली. मतलब एक ही नॉर्मल बात है कि 50 में रिटायरमेंट, 40 में रिटायरमेंट, 45 में रिटायरमेंट. तो अर्ली रिटायरमेंट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल फॉर एवरी वन ऑफ अस. और इसके बहुत सारे रीजन्स हैं. ठीक है, क्योंकि नाउ ऑब्वियसली द पेरेंट्स जो है दे डोंट वांट टू डिपेंड ऑन देयर किड्स मोस्टली, जो पहले ऐसा होता था. राइट, और दूसरा ये भी रीजन है कि द लाइफस्टाइल चेंजेस हैज़ हैपेंड अ लॉट. राइट, और हमारी वर्किंग लाइफ भी जो है वो कम होती जा रही है. पहले क्या होता था, अगर 60-65 तक पर्सन इज वर्किंग तो वो तब थोड़ा कम में भी रिटायर हो जाता था, तो बट वो दे यूज टू अर्न इनफ. राइट, बट अगर आपकी वर्किंग लाइफ सिर्फ 15-20-25 ईयर्स की ही रखोगे, राइट, तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू रिटायर. मतलब अगर 50 में अगर कोई रिटायर होता है और एक अगर हम 90 की एज लेते हैं, राइट, तो 40 ईयर्स तक यू विल हैव टू मैनेज विद दैट मनी. राइट, तो वो ये है कि मतलब जितना जल्दी रिटायरमेंट हैज बिकम ए मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑल्सो, और एक थोड़ा सा क्या कहते हैं आई विल से एक फैशन भी हो गया है कि हाँ भाई जल्दी रिटायरमेंट चाहिए. राइट, तो दैट्स वाई दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ फायर वॉज स्टार्टेड. तो विच बेसिकली मीन्स एक्सट्रीम सेविंग्स. ओके, ठीक है, तो एक्सट्रीम सेविंग्स से ये काम स्टार्ट हुआ कि भाई फ्रॉम US अगर हम बात करें या फिर हम यूरोपियन कंट्रीज में बात करें तो दे मतलब एट द कंट्रीज वेयर सेविंग रेट आई थिंक इज जस्ट 10-15%, दे आर टॉकिंग अबाउट फायर कॉन्सेप्ट विद 70% सेविंग ऑफ देयर इनकम, विच इज अ ह्यूज नंबर. हाँ, कोट. राइट, तो 70% सेविंग तो इंडिया में भी आई थिंक मोर और लेस इट्स वेरी टफ नाउअडेज विद कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी. राइट, तो दे टॉक अबाउट दैट 70% ऑफ योर इनकम यू शुड सेव. Okay. Right, and then you should obviously retire as early as possible. तो मतलब टारगेट यही रहता है कि 35 में रिटायरमेंट, 40 में रिटायरमेंट, मैक्सिमम 45 में रिटायरमेंट. सो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ फायर. राइट, सो दिस इज हाउ द होल कॉन्सेप्ट इज कि एक्सट्रीम सेविंग से दिस हैज स्टार्टेड एंड मेनी फोक्स नाउ आर ऑब्वियसली पार्टिसिपेटिंग इन इट. दे आर सेविंग अ लॉट, इन्वेस्टिंग दैट मनी प्रॉपरली. And then of course they want to retire early. अब इसके pros and cons हैं तो that we will discuss. So सबसे पहली बात तो आती है 70% account करना for savings या 60% 65 number बहुत बड़ा है. Right. Is it actually achievable? तो 70% is achievable, but again that मतलब मेरा thought process as a financial advisor or maybe little conservative and maybe little old. क्या कहते हैं यही रहता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंजॉय योर लाइफ एज वेल. राइट, आप 70% सेविंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. राइट, अगर आप स्पेशली इफ यू आर अ बैचलर, मतलब आई एम श्योर पीपल कैन लिव लाइक 2 BHK में 5-10-7 पीपल कैन लिव एंड देन दे कैन सेव 70%, ऐसा नहीं है, नहीं कर सकते हो. राइट, बट द थिंग इज दैट देन डू यू रियली वॉन्ट टू डू इट और नॉट, बिकॉज इट्स वही है ना कि जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, है ना कि वही 40 में मेरे को रिटायर होना है. हाँ. बट उससे पहले मर गए तो क्या हो गया, उससे पहले बीमार हो गए तो क्या हो गया, वो वाली बात है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप फायर की जब बात करते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू लिव इन प्रेजेंट एज वेल. मतलब दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. राइट, कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा फाइनेंशियल प्लान या हमारा थॉट प्रोसेस कि नहीं भाई जो भी करूंगा जब रिटायर होऊंगा उसके बाद ही मतलब करूंगा, उससे पहले मैं कुछ भी मतलब आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल नॉट इवन स्पेंड अ पेनी. सो मतलब आई एम नॉट अ पर्सन हु मतलब आई एम नॉट अ फाइनेंशियल प्लानर और आई एम पर्सनली ऑल्सो नॉट अ पर्सन हु मतलब थिंक्स सो मच अबाउट द फ्यूचर. हाँ, मतलब आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द प्रेजेंट एज वेल. तो इट शुड बी मिक्स. तो 70% सेविंग फॉर मी विल बी वेरी एक्सट्रीम इवन इन इंडिया. तो आई डोंट नो हाउ द पीपल इन मतलब ग्लोबल वर्ल्ड इज डूइंग. तो US वगैरह में बात हो रही है तो आई एम श्योर दैट इट इज वेरी वेरी टफ राइट फॉर देम. बट मतलब 70% हो सकता है, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू एंजॉय. मतलब हम जब अपना 50-30-20 रूल बोलते हैं तो हम बोलते हैं 30% सेव करो फॉर लॉन्ग टर्म, 20% सेव करो फॉर अवर शॉर्ट टर्म गोल्स. तो 50% सेविंग के लिए बोलते हैं, विच आई थिंक इज ऑल्सो नॉट
ईजी, मतलब बहुत सारे जब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल अपनी प्लान्स में, तो पीपल इट इज नॉट ईजी फॉर देम टू डू इवन 50% सेविंग. मतलब वो बोलते हैं नहीं नहीं सर 50 तो नहीं होगा, मेरा तो रेंट है, फिर EMIs भी हैं, ये भी है, बच्चों के खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो इट्स नॉट सो ईजी टू इवन डू 50%. बट आई थिंक 50% वी शुड डेफिनेटली टारगेट, सो दैट्स अ गुड टारगेट टू हैव, वी कैन लिव अ गुड लाइफ. I mean, but we can achieve fire, but what is the point of achieving it at the stake of present? Exactly. मतलब future बना रहे हैं present के बिल्कुल को क्या कहते हैं उसको पूरा खराब करके, तो there's no exactly. point. आप हाँ, मतलब एक आपका aim होना चाहिए कि retire early. बिल्कुल, मतलब मेरा भी है कि personally कि I want to retire early. एक financial freedom जो concept है rather than retire early, कि मैं financial free हो जाऊँ. I will maybe I will retire, but I will not stop working. ठीक है, but I want to be financial free as well. कि ठीक है यार financial free हो गए अब. I have enough money that even if I retire today, I don't have to worry. तो वो रखना चाहिए, but that should be practical. It should not be too extreme. So can we say that क्योंकि of course हर एक के लिए जो financial freedom है या retirement का जो भी age है, that is going to be different. तो किसी भी एक इंसान के लिए हम कैसे कह सकते हैं क्योंकि he has achieved that fire. तो basically obviously there are few thumb rules. So it is obviously it depends on your financial plan, right? Okay. First of all, आपके goals पे depend करता है, right? तो बहुत सारे factors हैं. अब आप एज अ रिटायरमेंट गोल आपका हो सकता है 45 में हो, लेकिन आपका चिल्ड्रन एजुकेशन गोल है, आपका चाइल्ड मैरिज गोल है, और या आपको घर लेना है, तो वो गोल्स भी तो देखने हैं. तो वो ऐसा तो अब मैं रिटायर तो हो गया, लेकिन अब मुझे उसके बाद बच्चे के एजुकेशन के पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो भी चीज़ें भी देखनी है. तो ये इट इज़ नॉट सच अ ईजी थिंग दैट आप जो है एक एज डिफाइन कर सकते हो. फ्यू थम रूल्स आर बींग मेड. ठीक है, एक US में जो कॉन्सेप्ट है 4% रूल का है, इंडिया में आई थिंक इट इज़ इट शुड बी 3% रूल, कि मतलब हमारे पास इतना कॉर्पस हो जाए कि हम उसको अगर 3% से एवरी ईयर निकालें, ठीक है ना, सो देन इट वी शुड हैव इनफ. तो मतलब ओवरऑल 33 times ऑफ अवर एनुअल एक्सपेंस. ओके, ठीक है, इफ वी हैव दैट मच मनी एंड वी मेंटेन दैट लाइफ स्टाइल. ओके, ठीक है, तो इफ यू हैव सपोज 10 lakh रुपीज अ ईयर एक्सपेंस, राइट, तो अगर आप 3.3 crore रुपीज आपके पास हैं, राइट, एज अ सेविंग्स, ठीक है, विच यू कैन यूज, राइट, एज अ एक्सपेंस कर सकते हो आप, तो यू आइडियली कैन रिटायर. ओके, ठीक है, बट ऑफ कोर्स देन ओनली रिटायरमेंट गोल हैपेंस, राइट, नॉट चाइल्ड एजुकेशन, नॉट, हाँ वो अलग है, हाँ, वो अलग. तो दिस इज जस्ट रिटायरमेंट, जो आपका करंट एक्सपेंसेस हैं दैट यू विल मोस्टली बी एबल टू मीट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो आप जब भी है, आप अगर आपके पास आज मे बी यू आर जस्ट 30 years old एंड यू हैव 3.3 crore रुपीज एंड यू आर स्पेंडिंग 10 lakh रुपीज अ ईयर, तो ideally you can retire today, okay, considering there is no other goal. True. Right? True. So it is those different thumb rules are there, but again, मतलब we should be very prudent when we talk about these thumb rules because there are so many other factors. हम thumb rules के चक्कर में कभी कभी ऐसा ना हो कि retirement ले लो, और पता चला रहा यार ऐसा ये तो नहीं हो पाएगा, right? True. तो ये भी important है कि we should be very practical about our goals, कि हम क्या क्या हमारे dependents हैं, उनके क्या goals हैं, सब चीज़ें हमें देखने, और उसके हिसाब से we should plan कि कब हम एक practically retire हो सकते हैं. सर अभी जैसे आपने मेंशन किया कि यू वुड वांट दैट रिटायरमेंट अर्ली बट यू विल नॉट स्टॉप वर्किंग, बट जनरली लोगों के लिए वो साइनोनिमस है रिटायरमेंट अर्ली, मतलब काम नहीं करना, तो वो डिफरेंट कैसे है? नहीं, सी रिटायरमेंट अर्ली बिल्कुल, मतलब अल्टीमेटली व्हेन यू प्लान फॉर रिटायरमेंट यू प्लान कि आई विल नॉट वर्क एट ऑल, राइट, तो देयर इज नो डाउट इन इट. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल व्हिच आई मीट दे डोंट वांट टू रिटायर कंप्लीटली फ्रॉम देयर लाइफ. मतलब उनका क्या रहता है कि दे वांट टू, मतलब डे जॉब नहीं करना है, मतलब दे डोंट वांट टू वर्क 9 to 5, ठीक है, तो वो दैट काइंड ऑफ वर्क दे डोंट वांट टू डू. सो मे बी एज अ कंसल्टेंट दे वांट टू डू, मतलब दे हैव अचीव्ड अ लेवल इन देयर लाइफ, दे थिंक दैट मतलब वी अवर टाइम स्टिल हैज वैल्यू, मतलब हम अगर किसी को टाइम देंगे तो पीपल विल पे अस, राइट, सो दैट काइंड ऑफ थिंग. सम एंटरप्रेन्योर्स, राइट, दे आर, दे थिंक दैट आई वांट टू डू, मतलब आई हैव सो मेनी नाउ क्लाइंट्स हु वांट टू डू कि भाई मेरे को 50 में रिटायर होना है, 45 में, उसके बाद मेरे पास खेत है, मैं वहां पर खेती करूंगा, राइट, सो so now that is he will still earn, he or she will still earn, right, ki wo khayati karke wants to work at their own time conditions, exactly, to ab wo plan karte hain zero income pe. Okay, matlab we should plan ki hum, kyunki I don't know, matlab it will work or not, we don't know, right, today or the with fast changing world, skill sets changing, technology coming, right, to हम जो सोच रहे हैं 10-15 साल के बाद मान लो हमें रिटायरमेंट करना है, और वो जो स्किल आज हमारे पास है वो 15 साल के बाद रिलेवेंट भी है या नहीं है, राइट, तो वी डोंट नो दैट, राइट, तो ऑब्वियसली वी शुड वे ऑल दोज ऑप्शंस, और लगता है कि हाँ ठीक है यार, नाउ आई कैन रिटायर, आई हैव इनफ मनी एंड देन आई कैन स्टिल अर्न सम मनी कि मेरा खर्चा निकल जाएगा, तो ठीक है, बट यू शुड प्लान कि आई हैव जीरो इनकम आफ्टर दैट, तो देन ओनली यू विल बी एक्चुअली फाइनेंशियली फ्री.
अदरवाइज यू विल ऑलवेज हैव दैट माइंड कि यार नहीं 50,000 तो कमाने हैं, राइट? ट्रू ट्रू. तो वो चीज दिमाग में आएगी, फिर वही चीज हुई ना, तो देन अगेन यू आर बैक टू द नेम सेम थिंग, विशेस साइकिल चल रहा है. फिर आपको अगर ये मान लेने यार 50 तो कमाने ही कमाने हैं, एग्जैक्टली, तो फिर क्या रिटायरमेंट है? ट्रू, राइट? ठीक है, तो वो चीज है. तो अभी जैसे यू मेंशन कि अगर हमें रिटायरमेंट अर्ली चाहिए, सो वी नीड अ लॉट ऑफ कॉर्पस टुडे so that we can stop working, yeah, we are doing work at our own times and conditions. So my point to you is that people often mistake with trading. Okay, trading is a quick way of earning money. So abhi se trade karna shuru kar dete hai. So to quickly earn that corpus and then hum fire achieve kar lenge. Is it the right method? तो ये क्वेश्चन अभी मेरे को एक फैन अभी लाइव सेशन में भी पूछा था किसी ने, एक 19-year-old guy था. He said कि सर आपको लगता है कि मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, पहले मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ और जब मैं पैसा अच्छा खासा इकट्ठा कर लूँगा फिर मैं इन्वेस्टिंग करूँगा, राइट? तो ये वैसा ही क्वेश्चन है. तो अगर आप ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकते हो तो फिर इन्वेस्टिंग करने की जरूरत क्या है, राइट? तो फिर आप इफ़ यू आर सो गुड एट ट्रेडिंग, राइट, इफ़ यू कैन रियली अर्न वेल, तो फिर क्या है, फिर आप फिर मतलब इट्स लाइक इनकम. मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग, आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेडिंग यू डोंट अर्न मनी, बट ट्रेडिंग यू कैन ओनली अर्न मनी इफ यू आर डूइंग इट फुल टाइम एंड यू आर रियली फोकस्ड ऑन इट. मतलब आप फिर दैट इज योर वर्क, राइट? तो मतलब आप IT में जॉब करके साथ में ट्रेडिंग करोगे, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल. 9 to 5 के साथ ट्रेडिंग नहीं हो सकती. हाँ, एग्जैक्टली. तो यही सिंपल चीज है. तो मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो तो मतलब आप एक बिजनेस कर रहे हो, राइट? तो अगर आपको लगता है कि यू कैन, यू नो दैट बिजनेस वेरी वेल एंड यू कैन अर्न वेल, तो इट्स फाइन. मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम डूइंग दैट, बट अंडरस्टैंड दैट इट्स अ एम्प्लॉयमेंट. ट्रू. इट्स नॉट अ इन्वेस्टिंग टेक्निक. मतलब चाहे अपना 9 to 5 ऑफिस जॉब करो या ट्रेडिंग करो, पहले आपको उतना कॉर्पस तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा. हाँ. मतलब ये चीज सिंपल समझो, ये एम्प्लॉयमेंट है, ये इन्वेस्टिंग नहीं है. इन्वेस्टिंग में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है. आप एम्प्लॉयमेंट कहीं और कर रहे हो और फिर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, दैट इज पॉसिबल. बट ट्रेडिंग इज नॉट अ इन्वेस्टिंग टेक्निक, इट इज अ एम्प्लॉयमेंट टेक्निक. ओके, तो मतलब क्या हम कह सकते हैं इट्स अ क्विक वे टू अर्न मनी? आई मतलब वही है. मतलब ऑब्वियसली सी, गैम्बलिंग इज ऑल्सो क्विक वे टू अर्न मनी, बट द बट इट्स आल्सो क्विक वे टू लूज मनी. तो इट्स अबाउट द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, राइट? अल्टीमेटली सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इट इज डेफिनेटली क्विक, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दैट क्विक मनी इज वेरी वेरी लो. Okay. So that's the whole game. So अभी जैसे आपने बोला that the thumb rule is the 33% हमारे पास, 33 times होना चाहिए of annual expense. तो ये जो भी हम number हमने quote किया है, does it account for the inflation in coming times? हाँ, मतलब when we ran these numbers from India perspective, I think inflation वगैरह सब consider करके एक mostly scenarios में it works. Okay. ठीक है, of course, मतलब you have to be prudent after retirement. ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा spend करो, आपको जो current lifestyle है उससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें तो आपको देखनी ही है, right? तो that is definitely there. और ये thumb rule है, as I said, मतलब you have to do the detail calculation. मतलब आप इस thumb rule को एक दिमाग में रख के एक target बना के कर सकते हैं, बट इस thumb rule के basis पे retire मत हो जाना. Okay. ठीक है ना? तो मतलब कई लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ कस्टम या टेलर्ड रहेगा. हाँ, तो थोड़ा बहुत आपके ऊपर नीचे रह सकता है, राइट? आपके एक्सपेंसेस रिटायरमेंट के बाद कैसे हैं, आप कौन सी एज में हैं, आप 35 में रिटायर हो रहे हैं तो हमारे एक्सपेंसेस बहुत अलग होंगे. Exactly. आप 60 में रिटायर हो रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस अलग होंगे, राइट? तो वो भी सारी चीजें डिपेंड करता है कि आपके किस टाइप के एक्सपेंसेस हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं. आप इन्फ्लेशन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं. इन्फ्लेशन एक इंडिया का इन्फ्लेशन है, एक आपका पर्सनल इन्फ्लेशन है, राइट? सैमसंग का फोन अगर हम ले रहे हैं 15,000 रुपए का, तो वो अगले साल 12 का मिलता है, लेकिन okay. आप वो ले रहे हो क्या अगले साल? Exactly. आप 25,000 का फोन ले रहे हो तो आप 12,000 वाला फोन नहीं ले रहे हो, तो आप इन्फ्लेशन ऐड हो गया क्योंकि आपने 15,000 का फोन की जगह 25,000 का फोन लिया. तो दैट इज द होल थिंग्स. ओके, सो सर लास्ट the question that we have come, jo investors ka bhi favorite hoga, if you have achieved that financial freedom or if you have reached to the level of fire, to matlab for entrepreneurs, right, matlab mere ko lagta hai ki ye bahut difficult question hai to answer, seriously kar raha hu, theek hai? क्योंकि ना हम अपनी इक्विटी की वैल्यू वी कैन नॉट डिफाइन, स्पेशली फॉर अ मतलब कंपनी लाइक अस व्हिच इज अ बूटस्ट्रैप. तो आई कैन नॉट डिफाइन कि मेरी इक्विटी जो है कंपनी में उसकी क्या वैल्यू है, राइट? सो फॉर अस इट इज वेरी, मतलब अगर हम इक्विटी की वैल्यू एक वैल्यू लें तो मे बी आई हैव क्या कहते हैं इनफ टू रिटायर. बट अगेन एज आई सेड कि सिंस इट इज अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, ठीक है, तो वी कैन नॉट डिफाइन दैट. हाँ, अगर मैं उसको हटा दूं कि मैं अगर यज्ञ की इक्विटी हटा दूं तो आई डोंट थिंक दैट आई हैव enough, right? हाँ, कि but मतलब from work perspective I like my work so much that I never want to retire, frankly. Right? तो अगर I would have worked in the corporate which I was doing till 2016, तो maybe 5 मतलब maybe 10 5 10 years down the line I would have
achieve the financial independence. Right? But currently, as I said, it is very, very tough for me to calculate कि मैं कहाँ हूँ. राइट, बिकॉज इतने सारे फैक्टर्स होते हैं और बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स में बहुत सारे हमारे चीजें होती हैं जो हमें प्रून करने पड़ते हैं. तो इट इज वेरी वेरी टफ क्वेश्चन फॉर मी फ्रैंकली टू आंसर दिस. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फायर, दैट इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली. इसमें काफी ज्यादा रियलिटी चेक आंसर्स मिले एंड काफी ज्यादा मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हुई. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ जिनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, शायद वो भी retirement early chahe. Do not forget to visit our website and use the coupon code freedom to avail all our research products. Thank you so much.